और इसी बीच सारंगढ़ से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े के भाई ने धमकी दी है। राजेश रात्रे ने युवक को जान से मारने की धमकी दी है और गाताडीही धान खरीदी केंद्र का प्रबंधक है खगेश जांगड़े। युवक खगेश जांगड़े ने एसपी से इस मामले की शिकायत की है। कोसीर धान खरीदी केंद्र का पूर्व समिति प्रबंधक है ये राजेश रात्रे और फर्जीवाड़े की जांच चल रही है इस केंद्र में, जिसके बाद विधायक के भाई ने सारंगढ़ के राजेश रात्रे उसने युवक को जान से मारने की धमकी दी है। गाताडीही धान खरीदी केंद्र का प्रबंधक है खगेश जांगड़े और इस धमकी के बाद उसने एसपी से शिकायत भी की है। कोसीर धान खरीदी केंद्र का पूर्व समिति प्रबंधक है राजेश रात्रे। मेघनाथ भारती हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या अपडेट और क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि एसपी तक तो शिकायत पहुंच गई है? देखिए मैं बता दूं, जो पूरा मामला है वो कोसी जो धान खरीदी केंद्र का मामला है और उसके जो अलग अन्य जो फड़ है, धान खरीदी केंद्र जसपुर और गाताडी में वो जो शिकायतकर्ता पीड़ित है खगेश जांगड़े, वो अभी प्रबंधक के पद पर मौजूद है और उन्होंने जो कुछ दिन पूर्व जो राजेश रात्रे है, जो विधायक के भाई हैं, उत्तरी गणपत जांगड़े के भाई हैं, उन्हें फर्जी रकबा बढ़ाने के संबंध में पद से पृथक किया गया था और साथ ही जांच चल रही है, जिस विषय पर जो प्रबंधक है जो खगेश जांगड़े, वो लगातार उसे सहयोग करने के आरोप पर जो विधायक का जो भाई है राजेश रात्रे, उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है और साथ ही जिसे पीड़ित जो खगेश जांगड़े है, उन्होंने अपने परिवार के साथ में जाकर एसपी कार्यालय में शिकायत की है और अपने अपने बचाव के पक्ष में एसपी के पास बात रखी। जी आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे हम लगातार लेते हैं इस विषय पर।